साथ ही होगा। इतने कम बजट में मंगल पर पहुंचकर इन मेहनती वैज्ञानिकों ने देश के प्रत्येक व्यक्ति का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया था। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में जब 2:43 पर चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ तो पूरे देश की धड़कनें मानो थम सी गई थी, क्योंकि लॉन्चिंग के बाद कुछ मिनट काफी अहम होते हैं। इसलिए न सिर्फ स्पेस सेंटर में बैठे वैज्ञानिक बल्कि टीवी पर देख रहे आम आदमी की भी धड़कनें मानो बढ़ गई थी। वैसे आपको याद कराने की जरूरत तो नहीं कि आज से ठीक 11 साल पहले यानी 2008 में चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 1 की सफलता के साथ ही इस बात की घोषणा भी हो गई थी कि 2014 में चंद्रयान 2 को भी लॉन्च किया जाएगा, लेकिन देरी हो गई। और यह देरी कोई 1-2 साल की नहीं बल्कि पूरे 5 साल की थी, पर यह देरी बिना किसी वजह की नहीं हुई थी। असल में इस देरी के पीछे की वजह है लैंडर का ना होना। अब ये लैंडर क्या होता है, यदि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया है तो इसका जवाब मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि चंद्रयान 2 मिशन के लिए हम लैंडर रूस से लेने वाले थे, लेकिन रूस से स्पेस मिशन में कुछ दिक्कत आ जाने की वजह से हम लैंडर नहीं ले सके। बस फिर क्या था, हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात एक कर दिए और स्वदेशी लैंडर बना लिया। इसको बनाने में ही सारा वक्त लगा, वरना यह मिशन कब का कंप्लीट हो चुका होता। चंद्रयान 1 एक काफी सफल मिशन था जिसने पहली बार चांद की सतह पर पानी के मॉलिक्यूल होने की पुष्टि की थी। हालांकि इस मिशन को 2 साल के लिए तैयार किया गया था, लेकिन 10 माह बाद ही चंद्रयान में कुछ खराबी आने के कारण मिशन समाप्त हो गया था। लेकिन चंद्रयान 1 ने अपना काम पूरा कर दिया था। चलिए अब थोड़ा समझते हैं कि आखिर चंद्रयान 2 चंद्रयान 1 मिशन से कैसे और कितना भिन्न है। दोस्तों, चंद्रयान 2 जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि यह चंद्रयान 1 मिशन का अगला कदम है, और वैसा है भी। यह मिशन चंद्रयान 1 की तुलना में ज्यादा कठिन और ज्यादा सेंसिटिव है। चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर है, जबकि पहले मिशन में सिर्फ ऑर्बिटर था। इन तीनों का मतलब समझते हैं कि क्या होता है। जो ऑर्बिटर होता है वह मून की कक्षा के चारों ओर चक्कर लगाएगा, ठीक उसी तरह जैसे उपग्रह हमारे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसके बाद लैंडर की बारी आती है। लैंडर ही है जो मून की सतह पर लैंड करेगा, अर्थात उतरेगा। इसके बाद लैंडर से एक रोवर जुड़ा होता है जो लैंड करने के बाद ही लैंडर से अलग हो जाएगा और चंद्रमा की सतह पर इधर उधर आ जा सकेगा। अब यह मिशन सबसे ज्यादा पेचीदा 2 जगहों पर हो जाता है। पहला, जब लैंडर और रोवर ऑर्बिटर से अलग होते हैं तो यह वक्त मिशन के लिए बहुत मुश्किल वक्त होता है। छोटी सी गलती पूरे मिशन को तबाह कर सकती है। वहीं दूसरी चुनौती तब सामने आती है जब लैंडर को सतह पर उतारना होता है। ऑर्बिटर से अलग होते ही इसकी स्पीड बहुत तेज होती है। चांद पर किसी भी तरह का वातावरण ना होने के कारण यहाँ पैराशूट भी उपयोग नहीं किया जा सकता है। ऐसे में एक सॉफ्ट लैंडिंग को कंप्यूटर की मदद से अंजाम देने का प्रयास किया जाता है, पर दुनिया के अधिकतर मिशन इसी पॉइंट पर आकर असफल हो जाते हैं। यदि भारत इसे सफलतापूर्वक करने में कामयाब होता है तो ऐसा करने वाला अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। चंद्रयान 1 मिशन में सिर्फ ऑर्बिटर था। चंद्रयान 2 मिशन की सबसे खास बात जो उसे बाकी तीनों देशों के मिशन से अलग बनाती है वह यह है कि हमारा लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव में उतरेगा, और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बनेगा, क्योंकि आज तक कोई भी देश दक्षिणी ध्रुव पर नहीं उतरा है। दक्षिणी ध्रुव थोड़ा रहस्यमय भी है क्योंकि यह हमेशा अंधेरे में रहता है, मतलब पृथ्वी से हम चांद के इस हिस्से को नहीं देख पाते हैं, जिस वजह से हमें नहीं पता कि यहाँ क्या होता है। हो सकता है यह मिशन इस जगह पर कुछ नई खोज कर ले। इस मिशन को पूरा होने में करीब 48 दिनों का वक्त लग जाएगा। पहले चंद्रयान 16 दिनों तक पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, उसके बाद वह चांद की तरफ बढ़ेगा। यहाँ पर भी वह चांद की करीब 27 परिक्रमा करेगा और धीरे धीरे सतह के करीब पहुंचता जाएगा। जब लैंडर ऑर्बिटर से अलग होगा उस वक्त ऑर्बिटर की अधिकतम और न्यूनतम स्पीड 10 किलोमीटर प्रति सेकंड से 1 किलोमीटर प्रति सेकंड तक हो सकती है। लैंडर और रोवर चांद की सतह पर सिर्फ 14 दिन ही एक्टिव रहेंगे। इस दौरान रोवर 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से करीब 500 मीटर की दूरी तय करेगा, वो भी 14 दिनों में। हालांकि ऑर्बिटर सतह से 100 किलोमीटर की दूरी पर पूरे 1 साल तक
एक्टिव रहेगा और इस पूरी प्रक्रिया के समाप्त होते ही भारत अंतरिक्ष की दुनिया के सामने अपनी असाधारण काबिलियत का प्रमाण दे देगा। भारतीय अंतरिक्ष इतिहास की यह सबसे बड़ी तारीख होगी। इस दिन अपना चंद्रयान 2 चांद पर होगा। श्रीहरिकोटा से लॉन्चिंग के 29 दिन बाद चंद्रयान ने सफर के सबसे मुश्किल पड़ावों में से एक को पार कर लिया है। 20 अगस्त सुबह 9:30 पर वो चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया। चांद के 3,84,000 किलोमीटर के सफर पर निकला चंद्रयान अब अपने मिशन से महज 18,000 किलोमीटर दूर है। चंद्रयान सीधे चांद की ओर नहीं गया है बल्कि पृथ्वी और अब चांद की कक्षाओं के कई चक्कर लगाते हुए आगे बढ़ रहा है। चंद्रयान का आगे का सफर अब धड़कने बढ़ाने वाला हो चुका है, लिहाजा आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि वो कौन कौन से पड़ाव हैं जिनको लेकर टीम इसरो फुल अलर्ट पर है। एक चूक से अंतरिक्ष में खो जाता चंद्रयान। चंद्रयान का अपनी कक्षा बदलना बेहद मुश्किल पड़ाव था। वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रयान 2 को चंद्रमा पर स्थापित करने के लिए सैटेलाइट को एक निश्चित गति से चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करना था। अगर इसकी रफ्तार तेज होती तो वो चंद्रमा की कक्षा से बाहर चला जाता और फिर गहरे अंतरिक्ष में खो जाता। अगर सैटेलाइट की रफ्तार धीमी होती तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रयान 2 को अपनी कक्षा में खींच सकता था। लेकिन चंद्रयान 2 ने बेहद सटीकता के साथ चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया। चार कक्षाओं को पार करेगा चंद्रयान। बुधवार को चंद्रयान 2 चांद की कक्षा में प्रवेश कर गया। मिशन से उसकी दूरी महज 18,000 किलोमीटर रह गई। अब उसे 20 अगस्त से 1 सितंबर के बीच चंद्रमा की चार और कक्षाओं को पार करना होगा। इसरो प्रमुख के सिवन ने बताया कि चंद्रयान 2 21 अगस्त से चांद की चार कक्षाओं को पार करना शुरू करेगा। दोपहर 1 बजे वो पहली कक्षा लैंड हो जाएगा। इसके बाद 28 अगस्त 30 अगस्त और फिर 1 सितंबर को चौथी कक्षा पार करेगा। तब चांद से उसकी दूरी महज 18,000 किलोमीटर से घटकर बस 100 किलोमीटर रह जाएगी। ऑर्बिटर से विदा लेगा विक्रम। इस सफर का एक और अहम पड़ाव आएगा। लैंडर विक्रम उसे धरती और चांद की कक्षा में सैर करा रहे अपने ऑर्बिटर से अलग हो जाएगा। इसरो चीफ ने बताया कि इसके बाद सारा ध्यान लैंडर पर केंद्रित हो जाएगा। सिवन ने इस चरण को बेहद दिलचस्प तरीके से समझाते हुए कहा था, ये कुछ ऐसा ही होगा जैसे कोई दुल्हन अपनी माता पिता के घर से विदा लेकर ससुराल के लिए निकल जाती है। वो 15 मिनट जब थम जाएंगी धड़कने। अपनी सीट में रोवर प्रज्ञान को छिपाए लैंडर विक्रम चांद पर उतरने के लिए सही वक्त का इंतजार करेगा। लैंडर विक्रम का चांद की सतह पर उतरना इस पूरे मिशन का सबसे मुश्किल चरण है। इस मिशन के सबसे तनावपूर्ण क्षण चांद पर विक्रम की लैंडिंग से पहले की 15 मिनट होंगे, यानी 7 सितंबर की रात 1:55 से पहले तनाव अपने चरम पर होगा। खुद भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के चीफ के सिवन ने कहा कि लैंडिंग के अंतिम 15 मिनट बेहद चुनौतीपूर्ण रहेंगे क्योंकि उस दौरान हम ऐसा कुछ करेंगे जिसे हमने अभी तक कभी नहीं किया है। सिवन ने कहा, चंद्रमा की सतह से 3 किलोमीटर दूर चंद्रयान 2 की लैंडिंग के लिए इसकी स्पीड कम की जाएगी। विक्रम को चांद की सतह पर उतारने का काम काफी मुश्किल होगा। इस दौरान 15 मिनट काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं। हम पहली बार सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे। ये तनाव का क्षण केवल इसरो ही नहीं बल्कि सभी भारतीयों के लिए होगा। सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता मिलते ही भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। अभी तक अमेरिका, रूस और चीन के पास ही ये विशेषज्ञता है। रोवर से अलग हो जाएगा लैंडर। लैंडिंग के बाद 6 पहियों वाला प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से अलग हो जाएगा। इस प्रक्रिया में 4 घंटे का समय लगेगा। ये 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से बाहर आएगा। 14 दिन यानी 1 लूनर डे के अपने जीवन काल के दौरान रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर 500 मीटर तक चलेगा। ये चांद की सतह की तस्वीरें और विश्लेषण योग्य आंकड़े इकट्ठा करेगा और इसे विक्रम या ऑर्बिटर के जरिए 15 मिनट में धरती को भेजेगा। रोवर प्रज्ञान का क्या होगा? चांद की सतह पर पहुंचने के बाद लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान 14 दिनों तक एक्टिव रहेंगे। 27 किलोग्राम और रोवर 6 पहिए वाला एक रोबोट वाहन है। इसका नाम संस्कृत लिया गया है जिसका मतलब है ज्ञान। रोवर प्रज्ञान चांद पर 500 मीटर
यानी आधा किलोमीटर तक घूम सकता है। ये सौर ऊर्जा की मदद से काम करता है। रोवर सिर्फ लैंडर के साथ संवाद कर सकता है। इसकी कुल लाइफ 1 लूनर डे है, जिसका मतलब पृथ्वी के लगभग 14 दिन होता है। करीब 46.6 साल पहले हमारा सौर मंडल और एक नया जन्मा तारा जिसके चारों ओर धूल और चट्टान चक्कर काट रहे हैं। यहाँ हमारे पृथ्वी का नामो निशान तक नहीं है। हम समय में कुछ ज्यादा ही पीछे आ चुके हैं। अभी तक पृथ्वी के बनने की प्रक्रिया की शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन इसकी नींव तैयार हो चुकी है। ये चट्टान और धूल अब गुरुत्वाकर्षण की वजह से आपस में जुड़ रहे हैं। कई लाख सालों के बाद अब एक भीमकाय चट्टान के गोले में बदल चुके हैं, लेकिन इसे हम पृथ्वी नहीं कह सकते क्योंकि अब ये बहुत ही गर्म है। ये आज के वीनस यानी सूर्य ग्रह के समान है। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले धरती की सतह पूरी तरह बहते लावा से ढकी है। आप गलती से भी नीचे पैर रखने की कोशिश मत करना, वरना आपके पास दोबारा रखने के लिए पैर नहीं बचेगा। इस वक्त धरती की सतह का तापमान करीब 1200 डिग्री सेल्सियस है, यानी ये जगह फिलहाल नर्क से कम नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन का नामो निशान तक नहीं है। धरती पर लगातार एस्ट्रॉइड्स की बरसात हो रही है, जो सतह पर कई किलोमीटर लंबे खोते लावा के नदियों का निर्माण कर रहे हैं। और ये एस्ट्रॉइड्स कहीं दूर के नहीं बल्कि धरती के पड़ोसी हैं, जो लगातार उससे टकरा रहे हैं। ऊपर देखिए, यह है एक नया अविलक ग्रह थिया, जो तेजी से हमारी ओर यानी धरती की ओर बढ़ रही है। करीब 15 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, यानी एक गोली की रफ्तार से 20 गुना ज़्यादा तेज है। हमें इसका स्वागत करना है, क्योंकि इसी की वजह से हमारे खूबसूरत चांद की रचना होगी। अब हमारी धरती चारों तरफ से अनगिनत चट्टानों के टुकड़े से घिर चुकी है। यहाँ इतने चट्टानी टुकड़े हैं कि इस वक्त हमारी धरती के पास भी शनि ग्रह के समान अपना एक रिंग बन चुका है, जो उनको शनि ग्रह के रिंग के जैसा ही दो भागों में बटा है। पहला रिंग आज की धरती और चांद के बीच में है और दूसरा चांद के पीछे। इस रिंग से एस्ट्रॉइड्स लगातार धरती पर बरस रहे हैं, लेकिन एस्ट्रॉइड्स की असल बारिश अभी भी शुरू नहीं हुई है। अब ये रिंग धीरे धीरे ग्रेविटी की वजह से एक 3000 किलोमीटर चौड़े गोलीय पिंड में बदल जाएंगे। और यहाँ हम देख रहे हैं हमारे चांद के जन्म को। यह है हमारा चांद। इसमें फिलहाल कोई तार नहीं है और यह अब हमारे धरती के काफ़ी नज़दीक है, जिसकी वजह से यह हमें इतनी बड़ी दिखाई दे रही है। इसका सरफेस अभी पूरी तरह से गर्म लावा से बना है और इतने करीब होने की वजह से यह लगातार धरती पर अपना गुरुत्वाकर्षण प्रभाव डाल रहा है। करीब 30 लाख साल बाद अब हमारे सोलर सिस्टम में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में आप लोग शायद ही जानते होंगे। हमारे सौर मंडल के गैस जायंट्स अपने ऑर्बिट्स में बदलाव कर रहे हैं और इस बदलाव की वजह से सौर मंडल के एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स के बीच में एक ग्रेविटेशनल मेस तैयार हो रहा है, जो एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स को सौर मंडल के आंतरिक भाग में धकेल रही है, सीधे सीधे मंगल, शुक्र, बुध और हमारी धरती। यही वो समय है जब हमारे चांद को इन एस्ट्रॉइड्स की वजह से उसके जाने पहचाने तार मिलने वाले हैं। इस अवधि को कहा जाता है द लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट। बाय द वे, इस समय हमारा चांद भी बहुत ही गर्म था। ये आसमान में एक बड़े लैंटर्न की तरह चमकता था और ये धरती के इतने करीब था कि इसका गुरुत्वाकर्षण हमारी धरती को आज की तुलना में 25 गुना ज़्यादा प्रभावित कर रहा था। हमारी धरती पर एक दिन 24 घंटों का नहीं बल्कि केवल 6 घंटों का होता था और इसके कारण धरती के लावा के नदियों में लहरें आज की समुद्री लहरों से 20 गुना ऊपर तक उठती थी। लेकिन भला हुआ हमारे चांद का, जो धीरे धीरे समय के साथ साथ हमारी धरती से दूर चला जाएगा और इससे धरती की घूर्णन धीमी होने लगेगी और लावा की नदियाँ ठंडी होने लगेंगी, जिससे धरती के सतह का निर्माण होगा। इस वक्त आसमान में ये भीमकाय चमकीला चांद ही एकमात्र चीज नहीं है जो आपका ध्यान आकर्षित करेगा, बल्कि अब आपको दो बहुत ही चमकीले तारे भी आसमान में देखने को मिलेंगे। लेकिन वो दोनों असल में तारे नहीं हैं, ये दोनों असल में ग्रह हैं, जुपिटर और सैटर्न। सौर मंडल के आंतरिक ग्रह जैसे कि हमारी धरती, वीनस, मरकरी, मार्स, ये सब रॉकी प्लैनेट्स हैं और ये ज़्यादा समय तक पिघले हुए लावा के रूप में नहीं रह सकते। लेकिन वही जुपिटर और सैटर्न असल में गैस जायंट्स हैं, जो कि आसानी से लंबे समय तक गर्म रह सकती है। धरती के
जन्म के इस समय काल में जुपिटर का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस और सैटर्न का 3000 डिग्री सेल्सियस था। इसका मतलब है कि जुपिटर उस वक्त हमारे सूरज से भी ज़्यादा चमकीला था। जैसे कि साइंटिस्ट कहते हैं कि तारे अपने जीवन के साथ साथ और चमकीले होते जाते हैं, तो उस समय था सूरज 5 से 30% कम चमकीला था। परंतु 4 अरब साल के लंबे अवधि में ये ग्रह भी धीरे धीरे ठंडी हो जाएंगे। आइए चलते हैं वापस हमारी धरती पर।